देश की आज़ादी में अग्रणी भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों को सम्मान देने के उद्देश्य से भिवानी में भाजपा द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। देश की एकता अखंडता में योगदान देने वाले महापुरुषों के योगदान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से तिरंगा यात्रा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक हरियाणा के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जा रही है। इसी के तहत भिवानी में भाजपा विधायक व पूर्व जन स्वास्थ्य मंत्री घनश्याम सराफ के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा के तहत लाला लाजपत राय चौक, शहीद स्मारक, महाराणा प्रताप चौक तक यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों नागरिकों ने हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा में हमें बहुत उत्साह है और जो मोदी जी के नेतृत्व में और हम अपने नगर मंडल और अपने विधायक जी के नेतृत्व में जो कार्य कर रहे हैं, हमें उस पे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है और हम चाहते हैं देश में तिरंगे का सम्मान ऐसे ही चलता रहे। जय नगर मंडल भिवानी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आज जो एक आजादी का माहौल है, हमारे तिरंगे की जो शान है, हम उसको दर्शाना चाहते हैं। ये तिरंगा यात्रा घनश्याम सराफ जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है और हम ये भी दिखाना चाहते हैं, मैं महिला मोर्चा जिला सचिव हूँ, काफी मात्रा में यहाँ बहने हैं और ये नहीं कि बहने पीछे थे खुद तिरंगा यात्रा में, हम तिरंगा यात्रा के लिए अपनी आन बान और शान के लिए तैयार है। और इसमें हमने जो भी लिए हैं अपने शहीदों के लिए है नाम, और दूसरी बात है हम केंद्र सरकार का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि कल एक खेल का अवार्ड को मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखा गया है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसी राजनीतिक का होना ये तो एक अलग बात है, लेकिन उनके नाम से कोई खेल रत्न शुरू करना ध्यानचंद जी के नाम से, ये बहुत ही सराहनीय कदम है और इस प्रकार के सभी काम हम करते रहें, आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से हमारा और देश का आगे जाके भला होने वाला है। भिवानी से इंद्रवेश तुहन की रिपोर्ट।